हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हमें सॉल्व करना है इलस्ट्रेशन नंबर 8 को और इलस्ट्रेशन नंबर 9 को, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर नंबर 5 आपकी एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ इस क्वेश्चन में भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, जैसे कि पहले क्वेश्चन बना हमें, मैंने बताया था बिल्कुल सेम टू सेम पैसा ही, कुछ अंतर नहीं है। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज को समझना है। यहाँ पर दे रखा है अंजू मंजू संजू शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1:1। उन्होंने कहा कि हमें पार्टनरशिप को ख़त्म करना है, बिजनेस को डिसॉल्व कर देना है। चलो कर दिया। जिस दिन डिसॉल्व कर रहे थे उस दिन का बैलेंस शीट यहाँ पर गिवन है, जहाँ पर क्रेडिटर्स लोन वगैरह दिया हुआ है और इधर एसेट्स वगैरह दे रखे। अच्छे से ध्यान में देख लीजिएगा, बट हमें ज़रूरत जो पढ़ना है वो है नीचे। इट इज़ एग्रीड डैट अंजू टेक्स ओवर द फर्नीचर एट 10,000 एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू 2 लाख एट 1,85,000। यह तय किया गया अंजू जो है फर्नीचर को टेक ओवर करेगी। फर्नीचर कितने का है? 12,000 का है। वो फर्नीचर को वो 10,000 में ले रही है। और ये भी कहा डेटर्स, डेटर्स कितना है? 2,42,000 है। उसमें से 2,00,000 के डेटर्स को अंजू 1,85,000 में जो है टेक ओवर कर रही है। अंजू ने कहा कि मैं क्रेडिटर्स का भी पेमेंट कर दूंगी, तो क्रेडिटर्स भी उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। ओके, मंजू टेक ओवर स्टॉक एट बुक वैल्यू। जो मंजू ने कहा कि जो स्टॉक है वो मुझे दे दो, जितने का रेट है उतने का पेमेंट जो है मेरे यहाँ से काट लें अकाउंट से, तो ये स्टॉक मंजू के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और बिल्डिंग एट बुक वैल्यू लेस टेन, और बिल्डिंग को भी उसने लिया है, किसने? मंजू ने, वो भी 10% के लेस पर। संजू इस टेक ओवर रिमेनिंग डेटर्स, जो डेटर्स बचा 2,00,000 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 42,000। 42,000 को उसने 80% के बुक वैल्यू पर ले लिया और साथ ही साथ लोन को पेमेंट करने का उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। और साथ ही साथ इन सब कुछ करने के पीछे खर्चा जो हो रहा है 2,200, हमसे कहा गया है रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करो। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी यहाँ पर जो है डिफ़िकल्टी वाला कंडीशन नहीं दे रखा है, तो जिसको बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला काम तो आपको पता ही है कि जो भी चीज़ें हमें रियलाइज़ करना है, बेचना है, वसूल करना है, उस सबको हमें डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना है रिलाइजेशन अकाउंट के, और जो क्रेडिटर्स है जिसका पेमेंट करना है उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। कर देते हैं ट्रांसफ़र। तो ये रहा रिलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहला काम है जो भी एसेट्स दे रखा है उसको ट्रांसफ़र कर दो। एसेट्स के नाम पे हमारे पास क्या दे रखा है? स्टॉक है, और स्टॉक की जो वैल्यू है 83,000 है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू है 12,000। नेक्स्ट है डेटर्स, और डेटर्स की वैल्यू है 2,42,000। इसमें से जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न को उसके क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दो। ये हो जाएगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना है ये? 12,000। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्डिंग, और बिल्डिंग्स की वैल्यू है 2,00,000। इन चारों को ऐड कर दो तो नेट वैल्यू हो जाएगा 5,37,000। ठीक है, अब लायबिलिटी की बात करो। लायबिलिटी में दे रखा है क्रेडिटर्स जिसको पेमेंट करना है, और ये क्रेडिटर्स है 60,000, और नेक्स्ट पेमेंट करना है लोन का, लोन है 15,000। आपका एक साथ प्रोविज़न भी था यहाँ पर, इसको भी पेमेंट नहीं, प्रोविज़न को पेमेंट नहीं करना है। प्रोविज़न क्रिएट किया गया था एज ए लाइबिलिटी, अब इसको पार्टनर को मिलना चाहिए, तो उसको रियलाइजेशन में ही रखते हैं। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है ऑटोमेटिक, लास्ट में ये पार्टनर्स के अकाउंट में ही जाना होता है। अब क्या करना है? ये एसेट्स है, ये 2 लाइबिलिटी है जिसको हमें पेमेंट करना है, और एसेट्स को बेचना है। चलो शुरू करते हैं बेचना। जब बेचना शुरू करेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अंजू ने टेक ओवर किया है, जो पार्टनर ने टेक ओवर हुआ है वो सब पार्टनर के अकाउंट में डालो। तो अंजू ने जो टेक ओवर, तो अंजू के अकाउंट में डालो, अंजूस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अंजू ने क्या टेक ओवर किया? सबसे पहले तो उसने फर्नीचर टेक ओवर किया है, वो भी कितने रुपीज़ में? 10,000 रुपीज़ में। ठीक है ना, क्योंकि दो चीज़ें दोनों को एक साथ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा अलग। और जो डेटर्स है 2,00,000 रुपये के डेटर्स को उसने 1,85,000 रुपीज़ में टेक ओवर किया है। तो फिलहाल इसने तो दो ही चीज़ टेक ओवर किया, दोनों का ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1,95,000 रुपीज़ का अमाउंट उसने टेक ओवर किया, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उसने ये भी कहा अंजू ने कि भाई मैं जो है क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दूंगी, जो क्रेडिटर्स का अमाउंट है वो उसके ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि पेमेंट साइड होता है डेबिट, अब उसके अकाउंट से पेमेंट होना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर
अंजूज कैपिटल अकाउंट कैचिज कैटर्स कितने में, ये नहीं बताया गया, इसका मतलब 100% अमाउंट पेमेंट होगा और ये अमाउंट है 60,000। नेक्स्ट कह रहा है मंजू इज टेक ओवर स्टॉक, तो मंजू के कैपिटल अकाउंट को ओपन करो, मंजूस कैपिटल अकाउंट, मंजू ने टेक ओवर किया स्टॉक, वो भी इसकी बुक वैल्यू पे, स्टॉक कितना है 83,000, तो पूरा बुक वैल्यू उसके अकाउंट में डाल दो 83,000। और नेक्स्ट है मंजू ने बिल्डिंग को टेक ओवर किया है 10% कम पर, बिल्डिंग कितना है 2 लाख, 2 लाख का 10% है 20,000, माइनस कर देंगे बचेगा 1,80,000, तो बिल्डिंग का अमाउंट भी उसके अकाउंट में डाल दो, कितना हो जाएगा 1,80,000। इसके अलावा कुछ नहीं है, दोनों को ऐड कर दो 2,63,000 ये हो जाएगा। लास्ट में संजू कह रहा है कि जो बचा हुआ डेप्टर्स है, ठीक है ना, डेप्टर में से 2 लाख तो इधर चला गया अंजू के कैपिटल अकाउंट में, तो बचा हुआ जो डेप्टर्स है कितना है 42,000 रुपये, कितना बचा हुआ है 42,000 को उसने 80% में क्या किया है टू कवर किया। अगर 80% में किया तो कितना अमाउंट हो जाएगा, तो इसका 80% अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 33,600 रुपीज़। इस अमाउंट को डाल दो यहाँ पर संजू के कैपिटल अकाउंट में, संजूज कैपिटल अकाउंट दैट इज 33,600। क्या चीज़ है, डेटर्स है, ठीक है। क्या इसके अलावा कुछ और बचा हुआ लेन देन के लिए, नहीं, एसेट्स में तो नहीं बचा, अब बचा है लायबिलिटी, क्रेडिटर्स का हो गया। अब संजू ने कहा कि मैं लोन का पेमेंट कर दूंगा, तो संजू के अकाउंट में लोन ट्रांसफर कर दो, दैट इज संजूज कैपिटल अकाउंट क्या है लोन, और अमाउंट ऑफ लोन कितना है 15,000। लास्ट में बचा एक चीज जिसको पेमेंट बिजनेस के थ्रू होना है, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और ये कितना है, ये है 2,200। फिलहाल और कुछ भी नहीं है, हमें करना है दोनों साइड का टोटल, क्योंकि कुछ भी अब जो है एंट्री करने के लिए बचा नहीं है, जब कुछ भी नहीं बचा है तो उसको टोटल कर दो ताकि हम फाइनली इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सके। तो सबसे पहले तो टोटल करेंगे हम किसका, क्रेडिट साइड का, ये हो गया 12,000 प्लस 60,000 प्लस 15,000 प्लस 1,95,000 प्लस 2,63,000 प्लस 33,600, टोटल अमाउंट हो जाएगा, एक रफ में एंट्री कर देंगे यहाँ पर 5,78,600, ये हो जाएगा क्रेडिट टोटल। और उसी तरह डेबिट का भी टोटल करो, ये हो जाएगा 5,37,000 प्लस 60,000 प्लस 15,000 प्लस 2,200, ये हो गया 6,14,200, 6,14,200 यानी कि डेबिट, मतलब साफ है डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो इसका मतलब होता हो रहा है लॉस, कितने का लॉस हो रहा है देख लो, इसमें से माइनस कर देंगे 5,78,600, तो लॉस कितना हो रहा है, दिस वन लॉस इज 35,600, ठीक है, जो लॉस होता है लॉस की एंट्री करते हैं हम कहाँ पर, यहाँ पर क्रेडिट साइड में, तो ये हो जाएगा अमाउंट 35,600, तो एंट्री करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1, तो ये है अंजू, नेक्स्ट है मंजू और नेक्स्ट है संजू, इसको जो है 3:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंजू के अकाउंट में आ जाएगा 21,360। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे भाई, ऐसा डाउट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका होता 35,600 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो ये हो जाएगा 4×8=32, बचेगा 3, 4×9=36, 9 से मल्टीप्लाई करो 9×3=37, 4×8=32, बचेगा कितना 3, 4×9=36, ये हो गया 20, सॉरी थोड़ा डिस्ट्रीब गलत हो गया, ये 3:1:1 यानी कि 3/5 होता है, जल्दबाजी में थोड़ा गलती हो गया, आप 5 से काट दो, ये हो गया 5×7=35, 5×1=5, 5×2=10, अब 3 से मल्टीप्लाई करो 0, 3×2=6, 3×1=3, 3×7=1, इसी तरह 1:1 है तो इतना ही आ जाएगा, दैट इज 21,360, 7,120,
7120। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर कर दो टोटल, टोटल अमाउंट जो है कितना है, टोटल अमाउंट है 6,14,200। यहाँ पर भी आ जाएगा 6,14,200। इतना होने के बाद हमें तैयार करना है कैपिटल अकाउंट। आ जाओ भाई कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो एंट्री होती है बैलेंस बीडी की, और बैलेंस बीडी देखिए आप अपने क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर 2,75,000, 1,10,000 और 1,00,000। ठीक है, इसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर 2,75,000, फिर है 1,10,000 और यहाँ आ जाएगा संजू के अकाउंट में 1,00,000। यहाँ पर जो लॉस हुआ है रियलाइजेशन का, उसकी एंट्री कर देंगे डेबिट साइड में। तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस हुआ है अंजू का 21,360, मंजू का 7,120, संजू का 7,120। अब जिस पार्टनर ने जो कुछ भी टेक ओवर किया उसकी एंट्री कर देंगे हम डेबिट साइड में, और जो कुछ भी पेमेंट किया उसकी एंट्री कर देंगे हम क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो टुक ओवर क्या किया है, मंजू ने टुक ओवर किया है, अंजू ने टुक ओवर किया। अंजू का टोटल टुक ओवर कितना है 1,95,000। एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर डेबिट साइड में, किस नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो इसने टुक ओवर कितना किया है 1,95,000, 1,95,000। मंजू ने टुक ओवर किया है 2,63,000, और यहाँ पर संजू ने टुक ओवर किया है 33,600। ओके, हो गया ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद पेमेंट हुआ है अंजू की तरफ से, अंजू ने कितने का पेमेंट किया है 60,000 का क्रेडिटर्स का, तो वो अंजू के क्रेडिट साइड में एंट्री कर दो, किस नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अंजू ने जो है पेमेंट किया 60,000 का, और मंजू ने नहीं संजू ने पेमेंट किया है 15,000 का। तो पेमेंट कंप्लीट हो गया। जब ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब क्या करो, फाइनल पेमेंट की एंट्री कर दो, टोटल करो। तो यहाँ टोटल करेंगे 2,00,000। अब दोनों देखना, ये 1,00,000, ये 2,00,000, और इसका मतलब इसका क्रेडिट ज़्यादा आएगा, तो टोटल कर दो। ये हो गया 0,0,0,5,7,13,2,1,3, 3,35,000। और यहाँ का टोटल करेंगे तो इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं कितना, 3,35,000 हो गया, और इधर हो जाएगा तुम्हारे पास इतना 0,6,3,5,6,11,2,2,16,000, यानी कि 3,35,000 में से इसको माइनस कर देंगे 0,4,9 में से 3 गया 6, 14 में से 6 गया 8, इधर 2 में से बन गया 1, इधर 1,18,640। ये बचा हुआ अंजू के बैलेंस में, जो बैलेंस बचा हुआ इसका मतलब उसको पेमेंट कर देना है भाई, क्योंकि क्लोज हो रहा है। यहाँ कर देंगे हम 2 बैंक के नाम से एंट्री, कितना हो जाएगा 1,18,640। अब मंजू का इधर है 1,10,000 उसके अकाउंट में, और उसको उसने जो है टुक ओवर किया है 2,60,000, इसका मतलब मंजू अब पेमेंट करेगी बिजनेस को और ज़्यादा। तो बिजनेस को कितना पेमेंट करेगी, टोटल कर दो। ये हो गया 0,2,1,7,3,10,617, इधर के 2,70,120। इसमें से इसको 1,10,000 माइनस कर दो, 270,120 में से 1,10,000 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 0,2,1,0,61, 1,60,120। इसका मतलब होता है भाई ये मंजू जो है पेमेंट और लेके आएगी बिजनेस के लिए, तो ये बिजनेस में पेमेंट लेके आए 1,60,120। थोड़ा लगा दो 2,70,120। हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट है संजू, संजू का है ये 1,00,000, इधर 33, इसका संजू का इधर क्रेडिट से ज़्यादा है, तो टोटल कर दो 1,15,000। तो ये हो गया 1,15,000, माइनस कर देंगे यहाँ से 0,2,6,17,7,3,10,314, माइनस कर दो, कितना बचेगा 0,8,2,4,11 में से 4 गया 7, 74,280 को इसका फाइनल पेमेंट हो जाएगा। ये हो गया अकाउंट 1,15,000। ठीक है, सब कुछ हो गया। चलो सब कुछ हो गया, अब हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले बैंक बैलेंस डाल दीजिए कितना है 35,000, तो उसकी एंट्री कर देंगे टू बैलेंस बीडी 35,000। उसके बाद
एसेट्स को बेचा तो कितना वसूल हुआ, एसेट्स को कुछ नहीं बेचा, कुछ भी हमें ठीक है ना नहीं आया। लेकिन एक चीज़ है, मंजू अपने टोटल टेक ओवर के लिए अपना बिजनेस को पेमेंट कर रही है 1,60,000 बने, तो ये पैसा तो आ रहा है ना, तो इसकी एंट्री कर दो टू मंजूज कैपिटल अकाउंट 1,60,000 20। ठीक है, अब पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में एक चीज़ का पेमेंट हो रहा है बिजनेस की तरफ से 2,200 रुपीज़ का, वो भी एक्सपेंस का, तो यहाँ पर कर दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,200। इसके अलावा पार्टनर्स को पेमेंट हो रहा है, एक अंजू को और एक संजू को, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे बाय अंजूस कैपिटल, अंजूस के कैपिटल के अकाउंट के नाम पे कितना पेमेंट हो रहा है 1,18,640। और नेक्स्ट पेमेंट होना है संजू को, तो संजूस कैपिटल, संजू को पेमेंट करना है 74,280। ठीक है, अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, रूल क्या होता है, दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो चलिए करते हैं, तो ये हो जाएगा 0,21,591,1,95,120। यहाँ का टोटल करो 0,842, ये हो गया 6, 2, 8, 9, 10, अरे 11, 8, 4, 12, 13, 14, 15, 8, 8, 9, ये हो गया 1,95,120। ठीक है ना, समझ में आ गए यहाँ तक, ये कंप्लीट हो गया बैंक अकाउंट। इसके जस्ट बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 भी करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर 9, तीन पार्टनर है सुमित, अमित, विनीत, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर गिवन है 5:3:2 का। उन्होंने बिजनेस को डिसॉल्व करने के लिए सोच लिया, और डिसॉल्व करने के लिए उनके पास ये लायबिलिटी है, ये एसेट्स है, और उसके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें कहा गया है कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया गया। अमित ने अपने वाइफ के लोन को टू कवर कर लिया, मतलब अमित ने कहा कि मुझे अपने वाइफ का लोन का पेमेंट मैं कर दूंगा, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो, वन ऑफ द इसको उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वन ऑफ द क्रेडिटर्स 2,600 ने कहा कि भाई हमें पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं, बिजनेस खत्म हो रहा है, क्या करेंगे भाई, तो ये 2,600 अब पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया, 90,000 में से इसको माइनस कर देंगे। अदर असेट्स जो दूसरे बचे हुए, उसके मशीनरी को बेचा गया 70,000 में, इन्वेस्टमेंट विथ बुक वैल्यू 1,00,000 बार गिवेन टू क्रेडिटर्स, 1,00,000 रुपये का क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया गया है, क्रेडिटर्स 90,000 का, और 1,00,000 रुपए में क्रेडिटर्स का सेटलमेंट खत्म हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट और क्रेडिटर्स दोनों ने तय कर लिया कि हम जो आपस में ही निपटा लेते हैं मैटर। द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बट टू ओवर बाई विनीत, 1,00,000 रुपए, 1,50,000 में से 1,00,000 तो उधर दे दिया गया, बचा 50,000, उसको विनीत ने जो है 45,000 में एग्री कर लिया, मतलब टेक ओवर कर लिया। स्टॉक को सेल किया गया 11,000 में, डेटर्स में से 3,000 डेटर्स का जो है बैड डेट्स हो गया, मतलब पैसे वसूल नहीं हुए, तो टोटल डेटर्स में से 35,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे, बचा तो 32,000, उसकी हम एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस इतना हुआ, हमें क्या करना है, प्रॉपर लेजर अकाउंट बनाना है, और लेजर अकाउंट की शुरुआत करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। सबसे पहला काम है जो एसेट्स बेचना है उसको एंट्री कर दो डेबिट में, इन चारों को, और जो लायबिलिटी का पेमेंट करना है यानी कि मिसेस अमित लोन, इसको ट्रांसफर कर दो क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की, और सबसे पहले करेंगे ट्रांसफ़र, ये हो जाएगा टू, ट्रांसफ़र करेंगे हम मशीनरी का 80,000, ये हो गया मशीनरी, हो गया 80,000, ओके। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स है 1,50,000। नेक्स्ट है स्टॉक 10,000, डेटर्स 35,000, कैश एट बैंक की एंट्री होती नहीं है, उसके तहत घर बना, और इन चारों को ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,75,000, क्लियर। और इधर आ जाएगा लायबिलिटी, लायबिलिटी में कौन है, मिसेस अमित लोन, और ये अमाउंट है 40,000। नेक्स्ट है संडी क्रेडिटर्स, और ये अमाउंट है 90,000। ठीक है, ट्रांसफ़र जब कंप्लीट होता है, बारी आती है एसेट्स को बेचने की और लायबिलिटी को पेमेंट करने की। एसेट जब बेचते हैं, पार्टनर टू कवर करते हैं, तो यहाँ एंट्री करते हैं, और यहाँ पर
ये कहा जा रहा है कि मशीनरी को बेचा गया 70,000 में, तो जो बेचा गया उसकी एंट्री कर देंगे बैंक में। तो पहला जो सेल किया जा रहा है मशीनरी, वो भी कितने में, 70,000 में, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट जो है केटस को सेटल कर दिया गया, रेमेनिंग इन्वेस्टमेंट बट टू कोवर वाई विनीत को दे दिया गया, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ है देखते हैं, स्टॉक है, स्टॉक को सेल किया जा रहा है 11,000 रुपीज़ में। और फिर है डेटर्स, डेटर्स से कहा गया 3,000 बैड डेट्स वो कन्वर्ट हो गया है, तो डेटर्स जो है 35 है, 3,000 अगर बैड डेट्स हुआ तब भी हमारे पास कितना पैसा आ जाएगा, 32,000, ओके। इसके अलावा कुछ और बचा हुआ नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिटर्स के साथ सेटलमेंट हो रहा है, बचा विनीत ले रहा है, तो यहाँ पर एंट्री कर दो इसको 300, और इधर हो जाएगा 7 × 10 = 11, 1,13,000, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, जब एसेट्स का और लाइबिलिटी का आपस में सेटलमेंट होता है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, यानी कि क्रेडिटर्स को कोई एंट्री नहीं होगी, और जो 1,00,000 है इन्वेस्टमेंट का इसकी भी एंट्री नहीं होगी। बच्चा जो 50,000 है, जो 45,000 में विनीत टेक ओवर कर रहा है, उसकी एंट्री कर दो बाय विनीत कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दो, विनीत कैपिटल अकाउंट, कितना है ये इन्वेस्टमेंट 45,000, ठीक है। फिलहाल और कुछ है नहीं। अब इधर आते हैं टू साइड में भाई, यहाँ पर इसने कहा, सबसे पहले अमित ने कह दिया कि वाइफ का लोन मैं दे दूंगा, तो उसकी वाइफ का लोन है 40,000, तो उसको अमित के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, टू अमित अकाउंट, ठीक है ना, दैट इज मिसेस अमित लोन, कितना अमाउंट है 40,000, ठीक है। और क्रेडिटर्स का तो सेटलमेंट हो गया, हटा दो क्रेडिटर्स, बचा हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसको पेमेंट करना है टू बैंक अकाउंट, ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है 1,500। सब सभी चीज़ की एंट्री हो गई, देख बार चेक कर लो। उसका हमें क्या करना है, टोटल, जब टोटल करना है तो सेम भाई अपरेट क्रेडिट सर का टोटल करो, कितना है यहाँ पर, ये हो गया 40,000 प्लस 90,000 प्लस 1,13,000 प्लस 45,000, ठीक है। टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 2,88,000, तो यहाँ लिख देंगे 2,88,000 केडसर का टोटल। अब डेबिट का टोटल कर दो, ये हो गया 2,75,000 प्लस 40,000 प्लस 1,500, कितना हो गया 3,16,500, तो ये हो गया 3,15,500 का। इसका मतलब ये हुआ डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट का में, तो हो रहा है लॉस, कितने का लॉस हो रहा है, इसमें से माइनस कर दो 2,88,000 को, तो ये हो गया 28,500 रुपीस का लॉस हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 28,500 बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन है, तीन, कौन कौन है, अमित, सुमित एंड विनीत, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है वो है 5:3:2। 5:3:2 में जो अमित सुमित अकाउंट में 28,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो जो अमाउंट आ जाएगा 14,250, ये हो जाएगा 8,550 और ये हो जाएगा 5,700, ठीक है, हो गया। अब फाइनली इसका टोटल कर दो, टोटल आ जाएगा 3,15,500 और इधर भी आ जाएगा 3,15,500, क्लियर। नाउ जा, ये समझ में आ गया, तो आ जाओ नीचे, नीचे क्या करने आना है वो देखो, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कैपिटल बैलेंस देखना पड़ेगा, कैपिटल बैलेंस इधर रखा है 40, 50 and 60, ओके, तो एंट्री कर दो, ये हो जाएगा बैलेंस बी टी, दैट इज़ 40,000, 50,000, 60,000, क्लियर। और बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 10,000 पार्टनर में बांट दो 5:3:2 की रेशो में, 10,000 को बांटेंगे, ये हो जाएगा 5,000, यहाँ हो जाएगा 3,000 और यहाँ हो जाएगा 2,000, यहाँ लॉस हो रहा है रियलाइजेशन का, डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दो, ये हो जाएगा रियलाइजेशन, कितना
कितना हो जाएगा 14,250, 8,550, 7,500 हो गया। जब इतना हो जाएगा, अब जो पार्टनर ने टुक ओवर किया उसकी एंट्री कर दो। पार्टनर ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट टुक ओवर किया है 45,000 ओनली विनीत ने, तो विनीत के अकाउंट में 45,000 एंट्री कर दो डेबिट साइड में। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आ जाएगा। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, क्या चीज़ है ये, इन्वेस्टमेंट है। कितने का है, 45,000, क्लियर। इसके अलावा अमित ने जो है वाइफ का लोन पेमेंट किया, उसकी एंट्री कर दो अमित के क्रेडिट साइड में 45,000। तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाइस लोन, ठीक है, कंप्लीट। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। इसके अलावा क्या कुछ और है, लेन देन ऐसा ऐसा कुछ भी फिलहाल नहीं है। अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। बट टोटल करना है तो कर दो, जब टोटल करेंगे ये हो जाएगा यहाँ का 45,000, इधर का मैं मतलब सही है, इधर हो जाएगा 53,045, सॉरी फॉर मी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है। यहाँ पर अमित नहीं, ये पहला हो जाएगा सुमित और ये हो जाएगा अमित, ठीक है। थोड़ा बुक में देखिए गड़बड़ लिखा हुआ है, इस बुक को एक्चुअली मैंने सही सॉल्यूशन किया, लेकिन बुक का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर जो है अमित सुमित विनीत दे रखा है, जबकि इनका एक्चुअल में नाम किस तरह से है, सुमित अमित विनीत के नाम से, इनकी बड़ा कन्फ्यूज़न दे रखा है। ये लोग अपना देख के अपना सोल्यूशन गलत कर देते हैं, एनसीईआरटी वाले इतना कहते हैं, हायर ट्रेंड वाले पर भी। तो ये अमाउंट पूरी तरह से गड़बड़ है, अमित सुमित विनीत नहीं है, सुमित अमित विनीत होगा, इसलिए गड़बड़ हो रहा था मेरा थोड़ा सा। इसका मतलब ये है सुमित अमित विनीत, और यहाँ पर हमने एंट्री बिल्कुल सही किया है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पर विनीत ने 45 और विनीत का अमित ने अपने वाइफ का लोन दिया है, तो ये यहाँ तक बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। दूसरा ये है, अमित के वाइफ के लोन में 40,000 आया, मैंने 45 लिख दिया, ये गलत किया दूसरा मैंने, ये तो मेरी गलती है 40,000, ठीक है। ये हो गया 45 और ये हो गया 50, 40, 90, 90 और ये हो गया 93,000 और यहाँ हो जाएगा कितना 62,000। अब हम क्या करेंगे, 45,000 में से 14,250 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 45,000 में से माइनस कर दो 14,250, कितना बचेगा 05, इधर बचेगा 9 में से 2 हो गया 703, 30,750 इसको पेमेंट कर देना है बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट है 93,000 में से लेस कर देना 8,550, कितना बचेगा 0, 5, 4, 12 में से 8 गया 4, 8, ये हो जाएगा 84,450, यहाँ डालेंगे हम 93,000। नेक्स्ट है 62,000 में से विनीत ने जो टुक ओवर किया था इन्वेस्टमेंट 45,000 और ये हो गया तुम्हारा कितना, तो टोटल हो जाएगा 50,700 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 0,0,3,1 और योग्य बन 11,300, तो यहाँ जाएगा 11,300, ओके। टोटल अमाउंट डाल देगा 62,000, क्लियर। ये हो गया, इसके जस्ट बाद हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सबसे पहले बैंक बैलेंस कितना दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 15,000, तो एंट्री कर दो यहाँ पर बैलेंस बीडी, ये हो गया 15,000। इसके बाद जो कुछ भी हमें रिकवर हुआ यानी कि रियलाइज हुआ 1,30,000 की एंट्री करेंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट 1,13,000, ठीक है, हो गया। अब पेमेंट साइड में आते हैं, पेमेंट किस चीज़ का हो रहा है, पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस का हो रहा है उसकी एंट्री कर दो। ये अमाउंट है 1,500। उसके बाद पेमेंट हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल का, सुमित का अमित का विनीत का, तो सुमित के कैपिटल अकाउंट में कितना पेमेंट हो रहा है 30,750, ठीक है। अमित के अकाउंट में कितना पेमेंट हो रहा है 84,450 और है विनीत के अकाउंट में पेमेंट हो रहा है 11,300, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे, ये जो टोटल करेंगे ये हो जाएगा 1,28,000 को।
और इनका टोटल करो, देखो कितना आ जा रहा है, 0 0 ये हो गया 7 5 12, 12 और 7 तो टोटल करते हैं यहाँ से जरा कैलकुलेशन से, ये हो गया 1500 कैलकुलेटर से, 30,750 प्लस 84,450 प्लस 11,300 ये हो गया 1,28,000, बिल्कुल सही आया, ठीक है बिल्कुल सही आया। लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बुक की जो कैलकुलेशन है और एक्चुअली में यहाँ पर नेम का गड़बड़ होने से सारा कैलकुलेशन हो गया, वैसे पेमेंट वगैरह सब कुछ सही, कैलकुलेशन सही है, बस नेम का फ़र्क हो गया, इसलिए अमाउंट मेरा और इस बुक का डिफरेंस आ रहा है, बाकी सब कुछ सही है अपनी जगह पर। बी केयरफुल, आप अपने ऊपर सही रखिए, अगर आपको सही आता है तो सही से करिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।